हेलो एवरीवन, सो गाइस स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन पर। गाइस मैं निरंजन, आपका अपना स्पेशल एजुकेटर। गाइस जैसे कि आपको पता है कि हमने हिंदी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए अपने पार्ट वन पार्ट टू ऑलरेडी पहले बना रखा है, जो कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे पार्ट वन स्पेशल एजुकेटर गाइस मैं आज आपके सामने लेकर के आऊँ, और पार्ट टू लेकर के आया हूँ हिंदी सीखने का। सो गाइस जैसे कि आपने देखा होगा स्क्रीन के ऊपर जो पार्ट वन है उसके अंदर जो मैं बच्चा है उसको मैंने सिर्फ दो अक्षरों के शब्द का ही ज्ञान करवाया है, कि जैसे कर अकर, चाला चल, माता मत, घर अघर, अब अब। और गाइस जो तीस जो हमारा पार्ट टू है उसके अंदर मैंने तीन अक्षर के शब्द और चार अक्षर के शब्द जैसे कमल, नगर, धर्म, मगन, अजगर, पलटन, चमचम, उपटन, इस तरीके से कुछ शब्दों का मैंने बच्चे को ज्ञान करवाया है। तो गाइस आज की वीडियो में मैं बच्चे को जो सिखाऊंगा वो हम मात्राओं का ज्ञान करवाएंगे कि मात्राएं कौन कौन सी होती है। तो गाइस सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो मात्राएं होती है वो कौन कौन सी होती है और उनके स्वर कैसे निकलते हैं। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा और ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। तो गाइस ये हमारी कुछ बेसिक सी मात्रा होती है जो सबसे बच्चे को सिंपल है, और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे को मात्राओं का ज्ञान नहीं हो पाता। बच्चे हिंदी तो पढ़ लेते हैं बट क्या कि मात्राओं को अच्छी तरह नहीं पढ़ पाते कि कौन सी मात्रा को किन स्वर से बोला जाता है, इनके लिए उनके लिए कौन से वर्णों का कौन से स्वरों का उच्चारण किया जाता है। तो गाइस सबसे पहले हमें बच्चों को बताना है, सबसे पहले मात्रा का ही बोध कराएंगे। आ, ई, ई, ऊ, ए, ए, ओ, ओ। बच्चे को मात्रा सिखाने से पहले हम कई बार बच्चे को बताते हैं कि ये हमारी मात्रा है और इन मात्रा से ही हमारे जितने भी शब्द होते हैं उनका उच्चारण किया जाता है। तो गाइस आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। जनाब हेलो, 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 हेलो। ये क्या है? मात्रा। मात्रा है, कौन सी मात्रा है ये? आ, आ की। और ये ई। और ये ई। इसमें और इसमें फर्क क्या है? ई की मात्रा और ये ई की मात्रा। जो हमारी छोटी मात्रा होती है उसमें हमारा जो स्वर होता है वो छोटा होता है, जैसे ई, उ, ए, ओ। और जो हमारी बड़ी मात्रा होती है, जैसे बड़ी ई जो इसको आप बोलते हो, ई, उ, ए, ओ। जैसे ई, उ, ए, ओ। और ये ई, उ, ए, ओ। ठीक है, तो हम आपको आज क्या करते हैं, आज हम मात्रा से शब्द बनाना सीखते हैं। अच्छा पहले लिखो का आ म, काम। वेरी गुड, कौन सी मात्रा लगाई है आपने? आ, आ की मात्रा। वेरी नाइस, का म, काम। काम क्या बन गया ये? काम। काम, वेरी नाइस। अब लिखो रा आ म, राम। वेरी गुड, गिव मी हाई टेन। क्या बनाइए? काम। और ये राम। गुड, अब लिखो दादा। वेरी गुड, क्या बन गया ये? दादा। दादा,
माला, मा बोलो, मा आ ला ला आ, क्या बना ये? माला माला, वेरी नाइस। अब लिखो की ला, किला की ला, किला, वेरी नाइस। अब आप लिखो मिल, दिन, दिन। दिन, दिन। अच्छा, क्या लिखा है आपने? दिन, दिन। मैंने क्या बोला था आपको? दिन, दिन। दिन में कौन सी मात्रा आनी चाहिए? आपको बता दें कि जो छोटी मात्रा होती है उसमें कौन से छोटे स्वर होते हैं, यानी कि द, द पे कौन सी मात्रा आती है? ई, न, दिन। आपको लगानी थी छोटी एक की मात्रा। आप क्या बनाइए? दिन, दिन। ओके, ओके। किताब, किताब, किताब। बू, वेरी गुड। क्या बनाइए? किताब, किताब। मिलान, मिलान। क्या बन गए? मिलान, मिलान। ओके, अब हम करेंगे बड़ी ई की मात्रा। कौन सी वाली मात्रा करेंगे? बड़ी ई की मात्रा, ई की मात्रा। अब लिखो मीरा, गुड। क्या बन गया ये? मीरा, मीरा। अब आप लिखो बीमा, गुड। पपीता, पपीता, पपीता।
रिवाज। रिवाज 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 अच्छा ये अभी आपने क्या लिखा? रिवाज। रिवाज में कौन सी मात्रा आएगी? रिवाज बड़ी की। वो रिवाज होता जब बड़ी की मात्रा थी, वो क्या बोलते हैं? रिवाज। मैंने आपसे बोलते रिवाज रिवाज। छोटी की मात्रा अब बनाइए रिवाज। नहीं क्या बोलते आप, कौन सी इक की मात्रा है? रिवाज। ओके ठीक है। गीता गीता ग ईता गीता। गुड गिव मी हाई 10। अमीर 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 अमीर। आमर आपने क्या लिखा है? आमर। मैंने क्या कहा था आपसे? अमीर। कैसे लिखते हैं अमीर? देखो अ मी ई र अमीर। आपने क्या लिखा? आमर। तो कैसे लिखोगे अब अमीर? लिख के दिखाओ। अमीर गुड। कुल का उ ल कुल कौन सी मात्रा आएगी? उ की मात्रा का उ ल कुल। वेरी गुड। ब उ ल बुल अलग अलग रखो ना इसको। गुड गिव मी हाई 10। फूल फूल वेरी गुड। चुनमुन चुनमुन
चुनमुन चुनमुन। अब आपने क्या लिखा ये चुम्मू, ये क्या होता है? यहाँ पे लिख दूँ चू न मू न चुनमुन चू न चुन मू न मून चुनमुन। आपने क्या लिखा? सही से लिखो सब, देखो चुन मुन। आप क्या बनाइए? चुन मुन बुलबुल बुलबुल। बुल 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 बुल। ब उ ल ब उ ल बुल बुल। क्या बनाइए? बुल बुल। आपने क्या लिखा? ये क्या होता है? बुल बुल। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। गुड, गिव मी हाई टेन। खुशबू खुशबू। खुशबू खुशबू। खुशबू हाई टेन। सो गाइस इस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि मैंने किसी से बच्चे को कुछ शब्द बोले थे, बच्चे ने वो शब्द लिखे, कई बार मात्रा उसने सही लगाई तो कई बार उसने गलत लगाई। गाइस सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम जो आती है बच्चों के सामने वो मात्रा लगाने के अंदर ही आती है। जो दो अक्षर के शब्द, तीन अक्षर के शब्द और चार अक्षर के शब्द बच्चे इजीली कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है मात्रा की तो बच्चे मात्रा लगाने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी मात्रा कहां पर लगानी है। तो गाइस उसी चीज़ के लिए ये वाली जो एक्टिविटी है ये सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बच्चा थोड़ा सा एक्टिविटी के ऊपर देखता है, उसका अटेंशन भी क्रिएट होता है। दूसरी चीज़ बच्चा इस एक्टिविटी के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ सीखता है कि मात्रा को हम कैसे लगा सकते हैं, क्या क्या मात्रा लगाई जा सकती है। सो गाइस मैं आपको, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको कहा था कि अगर आप अपने बच्चे को हिंदी का कॉन्सेप्ट सिखाने में अगर असक्षम हो पा रहे हो तो आप गाइस इस एक्टिविटी को ला करके ये वाली एक्टिविटी आपको ईजिली अमेजोन और फ्लिपकार्ट के पर आपको ईजिली मिल जाती है। तो मैं इसका लिंक आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन उसमें जरूर दूंगा, आप वहाँ पे जा करके इस एक्टिविटी को परचेस कर सकते हो। तो गाइस इस तरीके से मात्रा का बच्चा सीख पाएगा, आप बच्चे को अच्छे से सिखा पाओगे। मैं इस टाइम पे सारी मात्रा के बारे में नहीं बता रहा, अगर आपको लगता है कि और मात्रा को किस तरीके से करवाया जा सकता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि प्लीज़ हमको इसकी आगे की जो वीडियो है यानी कि इसका जो फोर्थ पार्ट है वो ज़रूर बना के दीजिए। मैं कोशिश करूँगा के फोर्थ पार्ट मैं आपके सामने जल्दी लेकर के आऊं, ताकि ये जो वीडियो है
का जो कॉन्सेप्ट है, इस इन वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छी तरह समझ आ पाएगा। और गाइस मैं आपको ये और कहूँगा, अगर आपने हमारी पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी होगी हिंदी की तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उन वीडियो का लिंक जो है वो इसी वीडियो के साथ जुड़ा हुआ है। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और गाइस प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपके सामने मैं स्पेशल एजुकेशन से जुड़े हुए वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। तो गाइस थैंक यू, नाउ बाय बाय बाय।